वेलकम टू माई चैनल। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास 10th की मैथ्स है जिसमें चैप्टर हमारा 1 रियल नंबर्स एंड एक्सरसाइज है 1.1 एंड क्वेश्चंस नंबर हमारा 1 न्यू NCERT 2023। तो ये वाली बाकी के इससे पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, तो उसी की हेल्प से आप ये एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 आसान से कर पाएंगे। तो उसको जो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप स्टार्ट करते हैं कि एक्सप्रेस करना है ईच द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट इज़ द प्राइम फैक्टर। जो भी हमें नंबर दिया है 140, 156 एंड 3825, 5005 एंड द 7429, तो ये जो नंबर दिया है इनको जो हमें प्रोडक्ट बनाना है प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, तो काफ़ी ईजी है। तो इसको जैसे आप पहली क्लासेस में करते आए इनको फैक्टर सेम इस तरह से करना है आपको। तो ये आएगा हमारा 140। 140 के जब हम इसमें फैक्टर करेंगे तो आप देखो कि ये किसकी टेबल में आएगा, तो 2 से स्टार्ट करते हैं हम, तो 2 की टेबल किस कितने टाइम पे जाएगा, 7 पे, 2 7 जा 14, फिर उतार लेंगे 0। अब कितने पे जाएगा ये, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 1 आएगा, अब इसमें 1 रह जाएगा, 1 और 0 कितना का 10, और फिर 2 की जब 5 में हम टेबल चलाएंगे तो कितना कितने 5 टाइम पे जाएगा, 2 5 जा 10, फिर आप कितना आप आए हमारा 5 पे, तो कितने पे जाएगा 5 7 जा 35, फिर 7 एंड 1। तो इसके जो हमारे जो फैक्टर होंगे, जो इसके फैक्टर होगा 140 के, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 5 × 7। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 140 के फैक्टर, तो क्या 2 2 की पावर, क्योंकि 2 टाइम 2 बार रिपीट हुआ है 2, तो क्या करने का 2 की पावर 2 × 5 × 7। ठीक है, आप ऐसे भी लिखोगे जब भी करेक्ट है, आप ऐसे लिखोगे तो तब भी करेक्ट है। अब आते हैं हमारे इसमें 156, तो 156 करेंगे, 156 तो इसकी कैसे प्राइम करेंगे, सेम ऐसे करना है। सबसे पहले देख लें इसको 2 की टेबल में, तो 2 की टेबल में जाएगा तो 15 है, तो कितने पे 7 पे जाएगा, 14 पे, तो 2 7 जा 14, 1 इसमें बचेगा तो 1 और 6 हो जाएगा 16 होगा, तो 2 8 जा कितना आएगा हमारा 16, फिर हमारा 2 पे जाएगा तो 2 3 जा 6, फिर 1 बचेगा, 1 और 8 18, और 18 जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे किस पे जाएगा 9 पे, तो 2 9 18, फिर किस पे जाएगा ये 3 पे जाएगा, 3 1 3 और 3 3 इसमें आ जाएगा हमारा 9। अब जो 13 है, 13 हमारा 13 से जाएगा, तो अभी मिस कितना आया कि 156, तो इसके क्या बन जाएंगे फैक्टर प्राइम फैक्टर, 2 × 2 × 3 × 13। अब इसको कैसे लिखते हैं, अगर 2 दो बार रिपीट होगा 2 की पावर 2 × 3 × 13। अब प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि जो प्राइम नंबर अपने से कटे और ओनली वन से कटे, तो ये जो 2 3 13 ये सारे प्राइम हैं, और 2 5 7 ये भी हमारे प्राइम हैं। अब देखते हैं इसमें थर्ड है हमारे इसमें 3825, इसको करते हैं सेम ऐसे करेंगे इसको, तो ये 5 है, तो किसकी टेबल से 2 की टेबल में जाएगा, 3 की में जाएगा, 4 में किस में जाएगा, 5 की टेबल में, तो ये जाएगा हमारा 5, तो 38 है, तो इसका मतलब कितना 7 पे 35 पे जाएगा, 7 बचेंगे 3, और 3 और 2 कितना रिमाइंडर में 3 आएगा, 2 32, तो 5 की टेबल में हम किस पे जाएंगे, तो किस में जाएगा 5 6 30, फिर 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, तो कितना आएगा क्या 5 5 हमारा क्या 25। अभी किस पे जाएगा, अब इसको देख लेते इसमें, तो ये किस पे जाएगा, ये जाएगा हमारा फिर जाएगा 5 पे, तो 5 1 5, फिर 2 इसमें 2 बचेगा 6 26 हो गया, 5 5 जा कितने पे जाएगा 25, फिर 1 बचेगा, और 1 और 5 कितना का 15, और 15 5 के टेबल में 15 पे चलाएंगे, 5 3 15 आ जाएगा। अब फिर कितने पे जाएगा, 3 पे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 3 5 3 और 3 1 3, तो 51 है, 51 किसकी टेबल में आता है 17 की, तो 17 की टेबल में आ जाएगा इसमें, तो 17 की टेबल उसमें 3 पे जा सकता है, 73 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तब इसके जो फैक्टर है कि किसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3825, तो इसके आ जाएगा हमारा, हम वैसे करते स्टार्टिंग से 3 × 3 फिर आएगा 5 × 5 × 17, तो यहाँ पे क्या 3 2 टेबल है, ये 2 बार है, और ये तो क्या आएगा 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 5। अब करते हैं इसमें 4 तक की हमारा 5005, तो 5000 जो 5 है इसको हम सेम ऐसे करेंगे, तो किसकी टेबल में आएगा, तो पहले 5 की टेबल में आएगा, तो 5 5 1 जा 5, फिर 0 0 और 1 आएगा। अब ये इसके बाद में किस पे जाएगा, ये जाएगा हमारा 7 पे, तो 7 7 1 जा 7, फिर 3 बचेंगे
और ज़ीरो हो जाएगा, और क्या नाम, 7 4 जा 28, फिर 2 बचेंगे, फिर 1 आ जाएगा, 21 हो जाएंगे, और 7 3 जा कितना आएगा, 21, तो इस पे जाएगा। अब इसको 21 पे जाएगा, ये जाएगा हमारा 11 पे, तो 11 1 जा 11, फिर कितना बचेगा, 3, और 3 के ना 33, तो कितना आ जाएगा, 11 3 जा ये हमारा हो जाएगा। तो ये अब किस पे जाएगा, ये जाएगा हमारा 13 पर। तो अब इसके क्या फैक्टर होंगे, इसके हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारा 5 × 7 × 11 × 30, तो ये इसके हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। अब आते हैं इसमें फोर्थ या फिफ्थ आते हैं, तो फिफ्थ में हमारा क्या आएगा, ये हमारा 7429 ये वाला आया हमारा, तो इसको देखते हैं। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आपको डिफिकल्ट पड़ेगी लेकिन हो जाएगा। तो ये हमारा 7429, तो इसमें किस पे जाएगा, ये जो नंबर टेबल में जाएगा, ये हमारा 17 के टेबल में जाएगा। तो मैं आपको पूरा डिवाइड करके बता देती हूँ, 17 और फिर आएगा ये हमारा 7429, तो कितने पे जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 पे, कितने जाएगा हमारा 4 पे जाएगा, और इसके जो 4 होंगे 4 पे कितना आएगा, 68, तो कितना आएगा, 74 से 68। अब जो मैं 4 है यहाँ पे 8 है, तो 14 हो जाएगा, 14 में से 8 गया, कितना आ जाएगा हमारा, 6 आएगा। यहाँ पे 6 में तो 0 आप उतार लेंगे, 2 आप ही कितने पे जाएगा, 7 3 जा कितना आ जाएगा हमारा, 51, तो 7 3 जा 51 आएगा। फिर हमारा वहाँ पर 1 आया, 1 के बाद में क्या उतार लेंगे, और फिर ये 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे 9। अब ये का जो 17 है, जो 77 जब कितना जाएगा, 119, तो 119। अब यहाँ पे जो जाएगा हमारा 437, और कितने पे जाएगा, 17 पे। अब जो ये वाली संख्या कटेगी, ये कटेगी आपको 19 की, तो आप इसको करेंगे 437 को जब हम 19 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा हमारा 19। 19 टू जा कितना आ जाएगा, 19 टू जा आएगा हमारा 38 38। अब 3 है यहाँ पे, कितना का फन कह रहे हैं, 13 में से 8 गया हमारा 5 और 7। अब जो हमारा आएगा 19 3 जा कितना आएगा, 93 जा हमारा आता है हमारा 50 19 3 जा हमारा आएगा 15 7, तो ये आ जाएगा हमारा 0। अब ये कितना आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 23, ये आएगा हमारा 19। अब ये किस पे जाएगा, ये हमारा 23 पे जाएगा। तो अब इसके फैक्टर होंगे 7 4 29 के प्राइम फैक्टर होंगे 17 and 19 and हमारा 23, तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। हमें एलसीएम एचसीएफ बताना है, जो भी हमें इंटीजर पेयर्स दिया है 2691 के या 510 के और 92 के एंड द 336 और 54 के। फिर हमें वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम और ये मल्टीप्लाई है कि एचसीएफ के, और इक्वल किसके है, प्रोडक्ट टू नंबर, टू नंबर्स का मतलब जो भी हमें ये नंबर चाहिए 26 और 91, तो इस तरह के दो नंबर का प्रोडक्ट है, इक्वल हमें इसमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम 1 कर लेते हैं, 1 का हमारा आएगा 26 और 91 का, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे 26 के 26 और यहाँ करेंगे हमारे 91 के। तो 26 में किस पे जाएगा, 2 पे चला जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा, और ये हमारा 13। इस पे कितने पे जाएगा, फिर आएगा हमारा 1, ये किस पे जाएगा, ये जाएगा जो हमारा 91, तो इसमें 7 पे चला जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो कितने, फिर 13 पे जाएगा 1। तो इसके जो फैक्टर होंगे हमारे 26 के जो फैक्टर होंगे 2 और 13, और यदि हम इसमें देखेंगे कि 91 के जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे, ये हमारा 7 आएगा और हमारा 13 आएगा। अब इससे हमें क्या एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम दो नंबर का हमारा 26 और 91 का, और यहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ, तो ये क्या होगा, ये निकालेंगे 26 एंड 91 का। अब जो एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है जितनी भी संख्या हमें सभी लिखनी होती है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 फिर मल्टीप्लाई में करेंगे 7 और फिर करेंगे हमारा 13, ये हमारा एलसीएम आएगा। अब ये वाले जो एचसीएफ दोनों में जो कॉमन होगा, ये हमारा 13 आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा दोनों में 13 आएगा। अब जो इसका एलसीएम इनका करेंगे, इनका सबका टोटल करेंगे, मतलब सबका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, 2 7 जा कितना आएगा, 14। अब कितना आएगा हमारा, 14 आएगा, और इसमें 13 को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12 वन कैरी, फिर 3 1 जा 3 और 1 कितना आएगा, 4 42। फिर यहाँ पे क्या आता है, इसमें यहाँ पे काटा लगाएंगे, तो यहाँ पर 4 आएगा 1 आएगा, तो ये क्या होगा, 2 4 4 8 1, तो इसका जो हमारा एलसीएम आएगा 182 आ जाएगा। अब हमें ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई करते हैं इसको, वेरिफिकेशन करते हैं इसका,
वेरीफिकेशंस, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, एल सी एम मल्टीप्लाई एस सी एफ, और ये प्रोडक्ट होगा टू नंबर, प्रोडक्ट टू नंबर्स हमारा कितना, कौन सा है हमारा 26 मल्टीप्लाई 91। अब जो एल सी एम आएगा 182 आया हमारा, और एस सी एफ आया हमारा 13, और ये कितना, अब इसको हमें प्रोडक्ट कर लेंगे दोनों को। तो जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे, इसको हम कर लेते हैं 91 को या 20 जो भी आपको कर, 91 को मैंने 26 कर लेती हूँ, तो 6 1 जा 6 और 6 9 जा कितना आएगा 54। अब ये क्या आएगा 2, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 18, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, फिर 2 और 4 और 2 6 और 5 8 13 और 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2366। इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो इसका प्रोडक्ट भी कर लेते हैं, तो 182 को 13 से, तो इसको करते हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 आएगा, 3 8 जा 24, 2 कैरी ले लेंगे, 3 1 जा 3 और 2 कितना आएगा हमारा 5, यहाँ काटा लगाएंगे तो क्या आएगा 2, फिर आएगा 8 और फिर आएगा हमारा क्या आएगा इसमें, फिर आएगा हमारा 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 4 और 2 6 और 5 और 8 13 और 2, तो कितना भी, ये भी कितना आएगा, ये हमारा 23,2366 और ये आएगा 2,360, दोनों इक्वल होगा, तो ये क्या होगा हमारा, इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड। तो ये हमारा क्या होगा, इसमें हो गया। अब करते हैं हम इसमें 500 को, आपको इसमें स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब करते हैं इसमें सेकंड, अब आया हमारा सेकंड आया इस, तो ये क्या गया 510 और हमारा कितना आया हमारा 92। तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसका 500 के इसके फैक्टर कर लेंगे, तो सबसे पहले किस पे जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 2 पे, तो 2 2 जा कितना आएगा 4, फिर 1 आ जाएगा 11 हो जाएगा, 2 5 जा पे जाएगा 10 और फिर 1 और 0 आएगा 2 5 जा 10, तो इस पे जाएगा। अब ये आगे किस पे जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 3 पे, तो 3 पे किस पे जाएगा 3 8 जा 24, 1 के एरिया हो जाएगा 1 और 5 15 हो जाएगा, और कितने टाइम पे जाएगा 5 टाइम पे जाएगा, इस पे जाएगा। अब ये 85 किस से जाएगा, 85 जाएगा हमारा 5 से चला जाएगा, तो 5 से कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, फिर 3 पे जाएगा 5 और 5 7 जा कितना आएगा 35, किस पे जाएगा, अब ये 17 पे जाएगा, तो इसके फैक्टर ये हो गए। अब 92 के और कर लेते हैं, 92 किस में 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बचेगा 1 और 2 आएगा और 2 6 जा 12, किस पे जाएगा 2 2 2 जा 2 और 2 2 3 जा 6, अब ये 20 8 23 पे जाएगा। अब जो हमारे इसमें फैक्टर आया, इसमें मतलब आया कि 510, इसके जो प्राइम फैक्टर बने 2 3 5 7, फिर हमारे के 92 के बने हमारा 2 2 23, तो ये बने इसके। अब इनको सबको क्या करना है, इसमें इसके ये बने हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम और एससीएफ निकालेंगे, तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कौन कौन से नंबर का, हम निकालेंगे 510 और 92 के, और यहाँ पे निकालेंगे एससीएफ, तो 510 और 92। तो इसका जो हमारा जो एलसीएम आएगा, एलसीएम देख लेते दोनों में, तो दोनों में क्या, पहले 2 देख लेते हैं, तो 2 जो है ये एक बार रिपीट हो रहा है, इसमें 2 बार हुए, जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो वाले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 आया 3 एक बार आया तो 3 ऐसे लिखेंगे, 5 भी एक बार आया है, फिर 17 भी एक बार आया और 23 भी एक बार आया है, ठीक है। तो और एस सी एफ क्या होगी, जो दोनों में कॉमन हो, और 3 2 2 इसमें कॉमन है, और इसमें क्या आएगा, इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा, इसमें 2 ही आएगा, क्योंकि और कोई भी नंबर रिपीट नहीं, तो 2, तो एस सी एफ का हमारा 2 आएगा। अब हमें क्या करना है, इन सबको प्रोडक्ट करना है। अब जो भी हमें वेरिफिकेशन, हमने ये तो कर लिया, अब इसमें जो वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन में वो ये आएगा हमारा कि इसमें एल सी एम मल्टीप्लाई एस सी एफ और प्रोडक्ट होगा 2 नंबर का, 510 और होगा हमारा 92 का। तो इसमें एल सी एम की जगह एल सी एम लिख लेते हैं हमारा, या एल सी एम, अब इसको हमें क्या करना है, इसको प्रोडक्ट करना है। पहले इसमें क्या कर लेते हैं, इसका एल सी एम निकाल लेते हैं, एल सी एम आप निकाल लीजिए जो 2, अब ये 2 2 जा 4 4 3 जा कितना आ जाएगा हमारा 12 और 12 5 जा कितना आ जाएगा हमारा 60। अब जो 60 है हमारा,
तो 17 में 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 0 0 आ जाएगा, फिर 6 7 जा कितना का 42, 4 आ जाएगा 4 6 1 जा 6 और 4 कितना का हमारा 10, तो 0 2 0 1। अब इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0, फिर आएगा 2 3 2 जा 6 फिर 0 फिर आएगा 3, ये कितने पे जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 2 2 जा 4 और फिर 0 आएगा फिर 2 आएगा, तो ये क्या रहेगा 2 0 6 4 3 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा जो एलसीएम है इसका एलसीएम आ जाएगा 23,460 आ जाएगा, ठीक है एलसीएम। तो अब इसको भी ये कर ले, अब इसको ये 2 पे है, अब ये क्या होगा 23,460 और एचसीएफ कितना हमारा 2 है, फिर इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कितना इस पर इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 0, फिर आएगा 2 6 12 वन कैरी आ जाएगा, 2 4 8 8 और 1 9 आ जाएगा, 2 3 6 और 4 ये आ जाएगा हमारा इसका 46,920। अब इसको जो प्रोडक्ट करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट आएगा कर लेते हैं 5 10 इसका आएगा 92, तो कितना आएगा हमारा 0 फिर 2 और 2 5 10 आएगा, फिर 9 से कर लेंगे 0 फिर आएगा हमारा 9 और फिर कितना आ जाएगा 9 5 कितना आ जाएगा 9 5 जाएगा हमारा 45, तो कितना जाएगा 45 पे जाएगा, तो ये कितना का 0 फिर 2 आएगा फिर 9 आएगा फिर 1 और 5 कितना का 6 ये, तो ये कितना आएगा हमारा, ये भी सेम ही आएगा, तो ये क्या 46,920 46,920, तो दोनों हमारे इक्वल आ गए, इसका मतलब ये भी हमारा इट इज़ वेरीफाइड। अब करते हैं इसमें हमारा है इसमें थर्ड, इसका जो है हमारे इसमें इसको यदि आप अपनी स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो अब करते हैं ये थर्ड, तो ये बेगा 366। सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे और हमारा फिर 54 के फैक्टर, तो ये किस पे जाएगा, सबसे पहले जाएगा हमारा 2 पे, देखते हैं 2 पे चला जाएगा, 2 1 2 फिर 1 आएगा 1 और 2 13 हो जाएगा, 2 6 और 2 8 जा पे जाएगा 8 16, फिर किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, 2 8 16 और 2 4 8, फिर किस पे जाएगा फिर 2 पे जाएगा, 2 4 8 और 2 2 4। अब देखते हैं किस पे जाएगा, तो ये किस पे जाएगा फिर 2 पे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 2 और 2 1। अब किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, 3 7 27 फिर आएगा हमारा 7 पे और ये, तो इसके ये आ गया। अब ये 54 के देखेंगे 2 से, तो 2 2 4 1 1 14 होगा, 2 7 पे जाएगा, फिर अब किस पे जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 3 पे, तो 3 9 कितना आएगा 27, फिर 3 पे जाएगा 3 3 9 फिर 3 फिर 1, तो अब इसके जो फैक्टर होंगे जो 336 के, तो इसके जो फैक्टर होंगे इसके हमारा आएगा इसमें 2 2 2 2 3 7 और इसका 54 का आएगा हमारा 2 3 3 3, तो इसमें होगा। अब इसका जो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितने, एलसीएम ये आ गया इसका, तो ये दोनों का आ गया। अब इसमें हमें दोनों के फैक्टरिंग का एलसीएम कर लेते हैं इनके, एलसीएम 336 और 54 का, और जो हमारा एससीएफ आएगा 336 एंड 54 का, तो इसका जो एलसीएम आएगा इसमें देखो 2 पर नंबर, यहाँ 2 है, यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुए, 4 बार, ये तो पूरे लिख लेंगे, तो 2 2 2 2। अब 3 है, 3 कितने पे जा रहा है, 3 पे, ये 3 है या 3 पर रिपीट हो, तो तीनों को तीनों लिख लेंगे इसमें 3 3 3 और फिर कितना आएगा हमारा 7 पे, इनका सबको अपना प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 2 4 4 2 8 और 2 16, कितना आ जाएगा हमारा 16, ये हमारा 16 मल्टीप्लाई 3 9 3 और मतलब 3 3 9 और 9 3 कितना आ जाएगा, 9 3 आ जाएगा हमारा 27, और फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका जो हमारा जो सभी जो प्रोडक्ट आएगा ये आएगा, तो इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 7 7 6 कितना आएगा हमारा 42, 4 ले लेंगे और 7 7 और 4 कितना का 11, फिर अगर 2 2 6 कितना हमारा 12, 1 और 2 और फिर 1 आ जाएगा, तो क्या 3, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 3 4, फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 आएगा, 7 2 14 1 और 7 3 21 और 1 21 22 हो जाएगा, फिर 2 और 7 4 जा कितना आएगा 28 और 2 30, तो इसका जो हमारा एलसीएम आएगा कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 3
3024 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लें कि एस सी एफ कैसे निकालेंगे। अब नंबर दे गया उसमें कि टू इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और कितना भी थ्री इसमें भी आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है, तो कितने पर चला जाएगा, टू मल्टीप्लाई थ्री मतलब सिक्स। अब जो हम इसमें करेंगे कि इसका जो अब वेरीफिकेशन करेंगे, वेरीफिकेशन में आएगा हमारा सेम एल सी एम मल्टीप्लाई एस सी एफ और इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, दोनों प्रोडक्ट का मतलब दोनों जो नंबर उनका प्रोडक्ट 336 मल्टीप्लाई 54। अब जब हम इसका जो प्रोडक्ट करेंगे, आप इसमें प्रोडक्ट करके देखिए, यहाँ पे आ गया एल सी एम तो कितना आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा हमारा 6 पे, इसी तरह से ये आ जाएगा। अब इनका जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा, ये आएगा आपका इसमें आएगा हमारा, तो इसको कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 3024, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा तो कहते हैं 24, तो 4 आएगा, फिर 2 6 2 जा कितना आएगा हमारा 12, और 4 कितना आएगा हमारा 14, और सी आएगा हमारा 18। तो जो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, ये आ जाएगा हमारा 1, ये जो आएगा हमारा 1 8 1 4 4, ये आएगा 4 4। इसी तरह ये भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेम आएगा 1 8 1 4 4। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है, ये हमारे जो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं आपको एक्सरसाइज का नाम अगली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।